हाल चाल है तुहाडा? भाई साहब चैनल है, टेलर की दुकान नहीं है। भाई ये बंदा बड़ा शैतान है, इसने हमारे साथ बहुत धोखा किया। मेरी आपत्तिजनक फोटो खींच ली थी नोटे बाद। मैंने खुद तो फंसना ही फंसना और मुझे भी फंसाएगा, मैं निकलता हूँ। प्योर वेज रेस्टोरेंट है जो कि गोल्डन बीच के पास में है, सेंट्रल फेस्टिवल के बिल्कुल सामने है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज साहिल। काफी टाइम हो गया ऐसे हमने बात नहीं की, क्योंकि मैं या तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था या फिर मैं काम कर रहा था। वीडियोस जो आप देख रहे हो बेसिकली पुरानी वीडियोस हैं। आज मैं एक आपको ऐसे बंदे से मिलाऊंगा जो काफी टाइम बाद हमें मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आज मैं हूँ तो वैसे बताया, मैं जिसका कोई फोन आया वो भी बिजी होते हैं और मैं भी बिजी रहता था। अगेन प्राइमरी बिजनेस इज ट्रैवल, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। बड़ा मजा आता है यार, सच में बताऊँ जब आप लोग ना पसंद करते हो वीडियोस को। पहुंच गए हैं हम अमेज़न पे। हां जी दोस्तों, की हाल चाल है तुम्हारा? भूल गए हो ख्याल साडा? होते पताया नहीं है बट होते हैं बिजी। और आज फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम, भी बहुत गुड टाइम, काफी टाइम बाद हमें टाइम मिला है साथ में इकट्ठे होने का। भाई का भी फोन आया, मैंने भी इनको दो तीन मैसेजेस किए थे, दो चार पार्टीज में मिले हैं। बट आज मैंने कहा यार एक ऐसा बंदा जो हमारे चैनल की नूर है, नूरे फतेह अली खान है, उससे मिलाया जाए। चलो आओ, तुम चाय पिलाइए। रहते हैं हम पताया में और मिलते कम है। लोगों को लगता है हमारे बीच में पता नहीं क्या है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है सहना। भाई देखते हैं क्या पियेंगे, कुछ ठंडा हो जाए। चलो मैं ग्रीन टी पीता हूँ। चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, बेसिकली जो वायरिंग है, जो बिजली की तारे है, वो रोड के अंदर डाली जा रही है। काफी रोड पे डल भी गई है और काफी रोड पे डलना बाकी है, जैसे पताया नुआ, पताया कलांग, ऐसे रोड्स पे डल गई है। ये इनकी वायरिंग चल रही है इनकी, एंड ये सब काम चल रहा है। ये जो जितनी भी वायरिंग है ये वाली, वो सब इसके अंदर जाएगी, रोड के अंदर जाएगी। आपको दिखाऊंगा अभी कहाँ कहाँ इन्होंने ऑलरेडी काम कर दिया है और काफी जगह काम चल रहा है, काफी जगह अभी पेंडिंग है, क्योंकि ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। पानी का काम है क्या, तारों का काम? ये वायरिंग का काम है पाजी, इलेक्ट्रिसिटी का काम है। आपको पता होगा कि पताया नुआ पे भी इन्होंने वायरिंग हटा रखी है, पताया कलांग पे भी नहीं वायरिंग। हाँ, अगर नोटिस किया होगा तो ये बेसिकली यहाँ पे बकायदा बोर्ड भी लगाए जाते हैं कि काम किस चीज का चल रहा है, ये भी बताया जाता है बकायदा। PEA बोलते हैं इसको, प्रोविंशियल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। और मेरे हिसाब से इस महीने कम्प्लीट हो जाएगा, बिकॉज अभी आने वाले टाइम पे आपका नया साल भी आ रहा है और ये फिर ट्रैफिक नहीं ज्यादा करेंगे उस चीज के लिए, तो इसलिए इनको जल्दी से जल्दी रैप अप करना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल गेट्स ने कमेंट किया था सरप्राइज जब वो आए थे, आई डोंट नो व्हिच इन व्हिच ईयर ही केम हियर, कमेंट किया था कि यार बाकी सारी चीज यहाँ पे ऐसा लगता है कि डेवलप्ड कंट्री है, बट एक वायरिंग देखने में ऐसा लगता है कि यार ये आप बहुत पीछे हो। बट इन्होंने फिर उस चीज को सीरियसली लिया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि पूरी की पूरी वायरिंग रोड के अंदर डालना। और ये हमारे भाई साहब अभी भी बिजी चलते हुए, बहुत ज्यादा सोना पहन लिया इन्होंने हाथों में, सोना ही सोना हो गया भाई। आप यूएसए से आए हो? यस। कहाँ यूएसए से, इधर ही धक्के खा रहे हैं। यूएसए जाने की तमन्ना है, तमन्ना है, ये ड्रीम, ये ड्रीम है। आ गया हमारा ऑर्डर, एंड दिस इज आवर वाटर एंड द ग्रीन टी इज ऑलवेज माइन। थैंक यू ब्रदर। मैं काफी लोगों को जानता हूँ यहाँ पे, काफी लंबी टाइम तक बात नहीं होती है। अगर आप देखो तो मलेशिया वाली वीडियो जो हमने डाली है उसमें राहुल भाई दर्शाए हैं। राहुल भाई की भी मैं कहानी बताऊं तो मैं उनको 2013 से डालता हूँ, ठीक है। एक बार तो हमारी 2 साल बात ही नहीं हुई, बस वैसे कि यार वो अपना बिजी हो गया, मैं अपना बिजी हो गया। भाई ने नई कंपनी खोली है, सबसे पहले आपको बताई है उस चीज के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई चीज नया प्रोजेक्ट लेके आते हो ना, तो आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस उस चीज में चला जाता है। आई वॉज ऑल्सो बिजी बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग बैक टू बैक, और भाई साहब अपनी कंपनी को पूरा सेटअप कर रहे थे, पूरी टीम वर्क सारी चीजें होती है। हमारी जो वीडियोज हैं वो कार्तिक भाई एडिट करते हैं। द रीजन वॉज कि मैं, आपको पता ट्रैवल का काम करता हूँ, हम लोग ट्रैवल का काम करते हैं, तो हम बैक टू बैक वीडियोज नहीं बना सकते हैं। अगर बना भी सकते हैं तो फिर उसको एडिट करने में ज्यादा टाइम जाता है। तो अब कैंची चलती है कि नहीं? अब बेसिकली कैंची कम चलती है, बट मैंने उसको बोला है भाई कैंची चलाया करो, कार्तिक भाई कैंची चलाया करो, जहां लगे ना कि इसमें स्पेस आ रहा है या मैं सोच रहा हूँ, लोग ये मत सोचे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, समझ गए? उसको काट दिया करो, कुछ नहीं, वो काट दो तो सही है, पर जो लोगों ने सोचा होता है वो सब कुछ काट देते हैं। सोचा सोचाया सब, वो तो नहीं लगती कैंची। वो कैंची ज्यादा चलाया करो, कैंची कम मत चलाया करो, ज्यादा चलाया करो। अच्छा तभी होता है टेलर जो, जिसको कैंची चलानी आती है। भाई साहब चैनल है, टेलर की दुकान नहीं है, हमें भी अपना रोल चाहिए, भगवान हमारा भी रोल चाहिए थोड़ा बहुत। कब आएगी हमारी बारी? सारा लोग देखते थे हमारी बारी, मेरे करण अर्जुन कब आएंगे, और करण अर्जुन आते नहीं थे। अभी आए हैं मैरीना, भाई साहब को लेना है कुछ यहाँ पे। Radicamos
vivimos en San Diego, en el Ángel y en el Jalecito. Siempre listo y bien activo, saben que soy un peligro. Con Dios bien encomendado por si hay un imprevisto. A mi jefe lo atoraron los gringos que son llamados. Le tocó la mala al viejo, pero nunca nos rajamos. Cuida mi familia, yo los amo y por ellos doy la vida. Una especial niña, mis abuelos que me cuidan desde arriba. ਭਾਜੀ ਦਵਾ ਦੋ ਕੁਛ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਚਲਵਾਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਓਨਲੀ ਟੀਟੀ T.T ਇਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਯਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਓਨਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮਰੀਨਾ ਨੋਟ ਬੈਡ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਅੱਛਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਕਾ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲਨੇ ਹੈ ਗੜੀਆਂ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਬਲੌਗਰ ਬਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੌਗਿੰਗ ਕਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਂ ਰੱਖਾ ਹੋਗਾ ਬਾਣੇ ਉਹ ਆਪਕੀ ਗਾੜੀ ਮੇ ਕਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੱਖਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਓ ਜੋ ਬਲੌਗਰ ਬਨਣੇ ਕਾ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹ ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ नई सीरीज अक्टूबर में शुरू करेंगे कहाँ जाना है हमें अगली सीरीज के वो तो आप बताओगे हम तो फकीर आदमी हैं झोला उठा के चल देंगे इनका झोला भी कम से कम सोने का होने वाला है सोना आप देख लो कितना पहना हुआ भाई ने छोटा मोटा फकीर आदमी नहीं है ये सोने वाला फकीर आदमी है जो सोने पे सोता है मोहित भाई से भी डिस्कस करते हैं कि भैया एक नई सीरीज प्रदीप भाई ने बोला कि नई सीरीज चालू करनी है जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है नहीं प्रदीप भाई ये हमारा वादा है कि बहुत ही मजेदार होगा गेट खोल दो बुला लेते हो गाड़ी का गेट खोलना आता नहीं ड्राइवर साहब गेट खोल दो हम थोड़े से गुमशुदा हो गए थे कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड के आगे लोग हमें यूट्यूब पे ही भूल गए भाई ये बंदा बड़ा शैतान है इसने हमारे साथ बहुत धोखा किया एक धोखा गिनाओ तो सही बहुत धोखा किया एक धोखा गिनाओ तो सही ने मेरे को बोला कि जी पार्टी में आओ मैंने बहुत अच्छी पार्टी रखी है बर्थडे की तो हेलो पार्टी अच्छी पार्टी थी क्यों सुन लो पूरी बात तो मैं पार्टी में गया इन्होंने प्लान किया हुआ था मेरे साथ ना वहाँ पे एक इन्होंने एक प्लान किया था मेरी आपत्तिजनक फोटो खींच ली इन्होंने वहाँ प्लान बनाया हुआ था फिर मेरे को लगा कि इधर फंस जाऊंगा मैं ये बंदा अपने आप को सही साबित करने के लिए लास्ट वाला डायलॉग पहले ही बोल दिया ये नहीं बताया कि आपत्तिजनक फोटो खींची तो खिंचवाने के लिए बंदा कितना उत्साहित था कोई उत्साहित नहीं था मैं एक घंटे से ज्यादा नहीं ठहरा मैं गया और वहाँ पे मेरे पे अटैक हो गया और मैंने कहा चलो मजाक चल रहा है पर मैंने जब देखा मेरी इधर लेफ्ट राइट सब जगह से फोटोएं खींची जा रही हैं मेरे को लगा मामला कुछ गड़बड़ है ये प्री प्लान्ड है तो मैं उधर से फिर निकल गया मेरे को लगा कि यहाँ से निकलने चाहिए क्रॉस करने वाले हो टर्मिनल 21 जो कि है हमारे लेफ्ट में और यहाँ पे देयर इज नो वायरिंग अभी वहाँ से वायरिंग स्टार्ट हो रही है जो कि सेकंड रोड की वायरिंग है ये आप देख पा रहे हो ये है वायरिंग ये यहाँ पे अभी है ठीक है यहाँ पे अभी हटनी बाकी है तो ये बेसिकली वन बाय वन कर रहे हैं अभी हम बीच रोड की तरफ जा रहे हैं दिसंबर से पहले पहले निकाल देंगे बिकॉज अगर वो रोड बंद क्लोज रखेंगे तो ये ट्रैफिक होने वाला है ये आपका बीच रोड यहाँ पे देखते हैं वायरिंग देयर इज नो वायरिंग हाँ देखो अब कितना क्लियर है बिना वायरिंग के कितना क्लियर व्यू आ रहा है यहाँ पे और बड़ा अच्छा इन्होंने रोड वगैरह बना दिया है यहाँ पे वायरिंग हट जाएगी तो आपको पता है ऐसा दिखेगा फोटोज वीडियोस के लिए मतलब ऐसे एक फील आएगा कि यार यू आर इन अदर कंट्री जा रहे हैं सेंट्रल फेस्टिवल मोड वहाँ पे मोहित भाई ने मुझे फोन दिलाना है सुन के बड़ा मजा आया और एक मुझे और एक प्रदीप भाई को स्पेशली आप कौन सा वाला कलर लोगे मैं कोई भी मिल जाए फ्री का कलर कोई भी मिल जाए कलर कलर पे नहीं मैं जाता फोन 16 Pro Max बस 512 भाई आज बड़े दिनों बाद मेरा बर्थडे चला गया तो भाई कहते कि साहिल भाई मैं आपको गिफ्ट लेके जो मेरा बर्थडे गया तीन तीन पार्टियों का उनका गिफ्ट तो भाई सबसे पहले बर्थडे किसका आया हमारे जो हमें बोल के पार्टियां दी गई थी वो पार्टी में नहीं गई हमारी सुई वहीं अटकी रहेगी तो कोई गिफ्ट नहीं बनता उस पार्टी का जो धोखे से दी जाए वो किस चीज की पार्टी सही बात है अरे बाबा धोखा है और उसके बाद बंदा चौथी पार्टी बोला फिर बुलाऊंगा लोकेशन आ जाएगी लोकेशन आई आपके पास कोरल आइलैंड पहुंच गया बंदा म्यूजिक फेस्टिवल हमें वीडियो बनाना था मोहित भाई ने मुझे बोला भी था
बट आई वॉज बिजी विद इंडिया से आए थे स्पेशल हमारे भाई लोग जैसे विनय भाई हो गए, खातिरदारी करनी पड़ती है हमें क्योंकि ये हमारा ध्यान रखते हैं। उनको पिटबुल पे थोड़ा बुल दिखाना था तो हम पिटबुल पे लेके जाते थे। विनय भाई बहुत ही छुपे रुस्तम थे, उनको खेलना आता था मुझे बताया नहीं यार, वो कह रहे मैं पहली बार में तो भाई लोगों को डंडा नहीं पकड़ना आता। उसको भी स्कूटी का चलान कटवाना हो, थाईलैंड का चलान का फील लेना हो, यहाँ आना। हाँ, और चलान आपको आराम से काट के देंगे, बड़े बड़ी रिस्पेक्टफुली आपसे मिलते हैं, ये लोग आपको रोकते हैं, नमस्कार करते हैं, स्वाटी खाप बोलेंगे, अच्छे से प्यार से बोलेंगे, फिर वो प्यार से आपसे पैसे लेंगे, फिर आप प्यार से चले भी जाओगे। जो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो दिक्कत नहीं है, हेलमेट पहनना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं रखा और आप सोचते हो कि भैया चल जाएगा यहाँ पे, नहीं चलता, ठीक है। आप रेंट पे मिल जाती है मोटरबाइक स्कूटी या फिर जो भी आप कार लेना चाहते हो, बट चलान होते हैं स्टिल, ठीक है। और सीट बेल्ट वगैरह आपको ऐसे पहननी पड़ती जो कि मैंने रिसेंटली पहनी है, बिकॉज सोयकाओ के सामने से जा रहे थे, पुलिस स्टेशन के सामने से, वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है। तो राइट नाउ वी आर ऑलरेडी एट सेंट्रल फेस्टिवल मॉल। लगे आते यार वो एक बेड भी ले ही दो यार, हैं इतना कुछ कर, लिस्ट बना ही लो, ठीक है, और कुछ छूटना नहीं चाहिए, पूरे बना के मेरे को ईमेल कर देना या पोस्ट डाल देना घर पर, ठीक है, तो उससे सही लगेगा, मैं आपको भेजता रहूँगा। तो उससे ऊपर क्या करते हो? तो हम अक्टूबर में जा नहीं रहे अभी घूमने, सीरीज में ही सीरीज में, तो बैग भी तो चाहिए। हाँ तो ले लो यार, अब लगे था बात, हाथ लगा ही लिया तो पैसे कटवा ही लो। यहाँ लगी मेरी फोटो अभी की, हाँ, या मेरे पहले वाले की, या मेरे दूसरे की, या मेरे तीसरे की, कोई दिक्कत नहीं। दो की तो प्लानिंग है, दो एक्सीडेंटल हो जाएंगे। हाँ टोटल चार चाहिए। आपको कौन सा कलर चाहिए भाई? कोई भी चले। कौन सा दिला रहे हो? पांच दिला रहा हूँ यार, मैं ये लेता हूँ, बहुत बड़ा हो यार। सही है, पिंक कलर लो आप, खर्ची पाओ यार, कितना सेक्सी प्यारा था भाजी। मैं जा रहा हूँ बिना मैच फोन लिए, आप पैसे दिलवा लगवा दोगे आप, इससे मैं वीडियो भी बना लूँगा ये वाले से, बहुत बड़ा। अरे सिर्फ वीडियो बनाएंगे ना, वीडियो के चक्कर में 15,000 बाट हो गए, वीडियो बनाएंगे। अच्छा आदमी है यार। कितने का है प्रो मैक्स? बहुत बड़ा है यार, रेट कितने स्टार्ट जाएगा? हाँ रेट बताओ थोड़ा सा। 60,000 बाट है ये, देखो 56। मैंने खुद तो फंसना ही फंसना और मुझे भी फंसाएगा, मैं निकलता हूँ। भाई साहब को 14 प्रो मैक्स चाहिए था, जो कलर है ब्लैक, वो इनके पास नहीं है। दे आर सेइंग वी डोंट नो कि वो कब आएगा। ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो 24 से 30 के बीच में दिखा रहा है, बट अगर आप इनसे पूछोगे तो दे डोंट नो येट। खाना खाने जा रहे हैं कहाँ? चोटी वाला प्योर वेज रेस्टोरेंट है जो कि गोल्डन बीच के पास में है, सेंट्रल फेस्टिवल के बिल्कुल सामने है।